उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरे पर जल्द होगा फैसला। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के पंजाब दौरे पर और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत आज हल्द्वानी की लालकुआं सीट से भरेंगे पर्चा। चुनावी राज्यों में होने वाले चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग का दौरा करेंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचकर सबसे पहले शाह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के पास बने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। फिर गृह मंत्री रुद्रप्रयाग बाजार में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही खींचतान के बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जालंधर में कहा कि कांग्रेस जल्द ही पंजाब में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी और इसका फैसला कार्यकर्ताओं से पूछकर ही किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के बाद कई दावेदारों ने टिकट नहीं मिलने पर असंतोष जताया है। पंजाब कांग्रेस के नेता जगमोहन एस कोंग ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपने बेटे यादवेंद्र एस कोंग को खरड़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की मांग की और कहा कि सीएम चन्नी इच्छा से हमारा विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगे पूरी न होने पर उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाने की चेतावनी भी दी। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में केवल 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में अमृतसर सेंट्रल से डॉक्टर राम चावला और अमृतसर पूर्व से डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू और बाबा बकाला से सरदार मजीत सिंह मन्ना को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने एक दिन में ये दूसरी लिस्ट जारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 30 जनवरी तक पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जालंधर और अमृतसर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के भगवंत मान को अपना सीएम चेहरा बनाया है। पंजाब चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब के जालंधर में राहुल गांधी की रैली के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को पंजाब पहुंचने में बहुत देर हो चुकी है। वो 5 साल पहले पंजाब के लोगों से किए वादों को पूरा करने में विफल रहे, इसलिए वो लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अब हल्द्वानी की लालकुआं सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत आज लालकुआं सीट के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले कल हल्द्वानी पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। लोगों ने उनके स्वागत में जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रदेश में लंबे समय से चर्चा में रही टिहरी सीट पर कांग्रेस ने आखिरकार अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद पार्टी ने तुरंत टिहरी से प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस में शामिल होते ही धन सिंह नेगी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय तक विधायक और पूर्व सीएम रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह राणे ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। राणे ने कहा कि चुनाव न लड़ने का उनका निजी फैसला है और अब वह रिटायर हो रहे हैं। उनके मुताबिक वो हमेशा पार्टी कार्यकर्ता की तरह पार्टी के साथ और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।